मित्रों, चंदवंश के राजा बालो कल्याणचंद द्वारा वर्ष 1563 में बसाया गया यह छोटा सा हिल स्टेशन अल्मोड़ा है, जो कि कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी भी कहलाता है। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों की भी यह पहली पसंद बना और उन्होंने इसे कुमाऊं की कमिश्नरी भी बनाया। समुद्र तल से 1642 मीटर की ऊंचाई पर बसा यह खूबसूरत शहर वर्तमान में लाखों देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ की जलवायु सब ट्रॉपिकल है और इसीलिए यहाँ जाड़ों में अधिक ठंड नहीं पड़ती, जबकि गर्मियों का मौसम यहाँ पर अत्यंत सुहाना होता है। चारों ओर बांज, बुरांस, काफल, हिसालू, किलमोड़ा आदि के फल और फूल खिलते हैं तथा आप अपनी सुध-बुध खोकर यहीं पर ठिठक जाते हैं। सन 1791 में नेपाल के शासक गोरखा काली नदी को पार कर पश्चिम की ओर अपना राज्य विस्तार कर रहे थे, तो उन्होंने अल्मोड़ा को भी अपने अधीन कर लिया, परंतु उनका शासन यहाँ पर लंबा नहीं चल पाया और दिसंबर 1814 के एंग्लो गोरखा युद्ध में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा एवं वर्ष 1816 की सुगौली की संधि के बाद उन्हें इस संपूर्ण भूभाग को छोड़कर काली नदी के पूर्व में नेपाल तक ही सिमटना पड़ा। अन्य हिल स्टेशनों जैसे नैनीताल एवं शिमला, जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा बसाए गए थे, परंतु अल्मोड़ा उनसे बहुत पहले ही बस चुका था एवं ब्रिटिशर्स के आने तक फल फूल रहा था। अल्मोड़ा का कैंटोनमेंट बोर्ड भी बहुत पुराना एवं प्रसिद्ध है, जिसे कि पूर्व में लाल मंडी नाम से जाना जाता था। अल्मोड़ा का लाला बाजार भी बहुत प्रसिद्ध है। इसमें कैंट वाले हिस्से को पलटन बाजार, तांबे के बर्तन बनाए जाने वाले हिस्से को कारखाना बाजार, थाना कोतवाली वाले हिस्से को थाना बाजार, तहसील और कचहरी वाले हिस्से को कचहरी बाजार, जबकि ज्वेलर्स वाले हिस्से को जौहरी बाजार आदि नामों से जाना जाता है। शहर के बीचों बीच स्थित माता नंदा देवी का मंदिर अत्यंत भव्य है एवं लाखों लोगों की आस्था का केंद्र भी है, जिन्हें माता दुर्गा का अवतार माना जाता है। अल्मोड़ा नगर के सभी व्यवसायी एवं समस्त अन्य निवासी भी दिन में कम से कम एक बार माता के इस प्राचीन मंदिर में अपना मत्था टेकना नहीं भूलते। इस शहर पर हजारों कुमाऊनी गीतों की रचना भी हो चुकी है तथा यहाँ की सिंगौड़ी एवं बाल मिठाई तो विश्वविख्यात है। कुमाऊनी रामलीला भी अल्मोड़ा के विद्वानों द्वारा ही रची गई है। राज्य की संस्कृति की इस महान धरोहर पर एक विस्तृत डॉक्यूमेंट्री के साथ हम जल्द ही आपसे मुखातिब होंगे। जय हिंद।